हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से काकोटेक के एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर दोस्तों लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और नई जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हमारे पास है रियल मी का X7, जिसका आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो के स्मार्टफोन ओप्पो A54 के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, रियल मी स्पेशल ऑनलाइन फोकस्ड मार्केट की यहाँ पर ब्रांड है, एंड ओप्पो यहाँ पर स्पेशल ऑफलाइन फोकस्ड मार्केट के लिए ब्रांड है। बट यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स हमें काफ़ी बेटर फीचर्स के साथ मिलते हैं। बट यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो हमें बिल्कुल ही यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलते हैं। बट मैं आपको बताने वाला हूं दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, रियलमी का स्मार्टफोन या ओप्पो का स्मार्टफोन। तो जल्दी से वीडियो को कर लेते स्टार्ट। तो यहां पर अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन्स की बैक लुक की, बिकॉज यहाँ पर बैक लुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करते हैं। तो नो डाउट आपको दोनों स्मार्टफोन्स में बैक साइड पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप लुक तो देख ही सकते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स की जो लुक है अपने आप में ही काफ़ी बेटर हमें मिल ही जाती है। यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में जो बैक डिजाइन है काफ़ी बेटर मिलता है। यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग एंड यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा डियर टू लीप। और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स में आपको बैक साइड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। अगर मैं हैंडलिंग की बात करता हूँ तो मुझे हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा रियलमी का X7, बिकॉज आपको काफ़ी स्लिम हैंडसेट रियलमी X7 देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बैक लुक की बात करता हूँ तो नो डाउट मुझे तो बैक लुक थोड़ी सी बेटर लगी रियलमी X7 की, बाकी आप अपनी चॉइस कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट साइड की, तो फ्रंट साइड में भी नो डाउट रियलमी का स्मार्टफोन की लुक काफ़ी बेटर है। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले काफ़ी बेटर मिलती है, और यहाँ पर जो पंच और कैमरा का जो यहाँ पर साइज है वो भी आपको काफ़ी स्मॉल यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो इस वजह से मुझे तो काफ़ी बेटर लगी रियलमी की फ्रंट लुक। और रियलमी में आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले मिलता है, जबकि आपको ओप्पो में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको राइट साइड पावर बटन एंड लेफ्ट साइड में वॉल्यूम ब्रोकर्स, यहाँ पर आपको सिम ट्रे ओप्पो में, टॉप साइड में आपको सेकेंडरी माइक रियलमी X7 में, और नीचे तरफ आपको ये कुछ सेटअप देखने को मिलता है। ओप्पो में आपको हेडफोन जैक, माइक, चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल, यहाँ पर रियलमी में आपको यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट, माइक, स्पीकर ग्रिल एंड सिम ट्रे आपको देखने को मिलती है। तो ये थी दोस्तों एक लुक दोनों स्मार्टफोन्स की। यहाँ पर मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी रियलमी की लुक, बाकी आप अपनी लुक आपको कौन से पसंद आई आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स की बॉडी की, तो आपको यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ थिकनेस की, तो आपको 8.1 mm की थिकनेस रियलमी में, जबकि आपको 8.4 mm की थिकनेस ओप्पो में देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था रियलमी का स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा स्लीक यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर मैं वेट की भी बात करता हूँ, तो ओप्पो में यहाँ पर जो वेट है 192 ग्राम का मिलता है, जबकि आपको रियलमी में वेट 175 ग्राम का मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट वेट एंड स्लिक हैंडसेट आपको रियलमी का देखने को मिलने वाला है, अगर आप कंपेयर करते हो ओप्पो के A54 स्मार्टफोन से। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के सेटअप से, तो यहाँ पर डिस्प्ले के सेटअप में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स में मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया ओप्पो में आपको यहाँ पर IPS पैनल मिलता है, जबकि आपको रियलमी में सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलने वाली है रियलमी के X7 स्मार्टफोन में। और अगर मैं बात करता हूँ स्क्रीन साइज की, तो आपको 6.4 इंच का स्क्रीन साइज रियलमी में, एंड ओप्पो में आपको जो स्क्रीन साइज है वो मिलने वाला है 6.51 इंच का। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले के रेजोल्यूशन से, तो आपको ओप्पो में HD+ रेजोल्यूशन, जबकि आपको रियलमी में FHD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है FHD+। और यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले रियलमी में मिलने वाली है, जबकि आपको IPS डिस्प्ले यहाँ पर ओप्पो के स्मार्टफोन में मिल जाती है। और मैंने आपको स्क्रीन साइज बताया, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी की PPI यहाँ पर आपको कैसे मिलने वाली है, तो रियलमी में आपको 441 यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी एंड आपको ओप्पो में 270 पिक्सल डेंसिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट में अभी तक हमारा बेटर है रियलमी का फ़ोन। डिस्प्ले के कलर्स तो आप देख ही सकते हैं रियलमी में, डिस्प्ले के कलर्स आपको यहाँ पर कितने ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी, और दोनों स्मार्टफोन से आपको जो रिफ्रेश रेट है 60Hz का ही देखने को मिलता है। बट यहाँ पर जो स्पीड है हमें काफ़ी ज़्यादा बेटर रियलमी के स्मार्टफोन में मिलने वाली है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो रियलमी का स्मार्टफोन हमारा थोड़ा सा फास्ट मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं ओप्पो के स्मार्टफोन से। और ये था दोस्तों डिस्प्ले का सेटअप दोनों स्मार्टफोन्स का। तो अब अगर मैं बात करता हूँ दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा के सेटअप से, तो आपको ओप्पो में जो कैमरा मिलता है फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का, जबकि आपको रियलमी में फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर जो आपको कैमरा कटआउट है, जो साइज है, वो भी आपको यहाँ पर कैमरा का काफ़ी ज़्यादा स्मॉल मिल जाता है। तो बात कर लीजिए बैक कैमरा से, तो आपको रियलमी के स्मार्टफोन में मेन कैमरा 64MP 8MP अल्ट्रा वाइड एंड यहाँ पर आपको 2MP मैक्रो कैमरा मिल ही जाता है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको डेप्थ कैमरा भी इनमें मिल ही जाता है। और आपको ओप्पो में मेन कैमरा 13MP 2MP मैक्रो एंड 2MP डेप्थ कैमरा आपको
यहाँ पर मिल जाता है ओप्पो के स्मार्टफोन में। तो ये था दोस्तों यहाँ पर कैमरा का सेटअप दोनों ही स्मार्टफोन्स का। अब अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरा के फीचर्स, आपको क्या कुछ कैमरा फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, तो अभी हम कैमरा को कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नाइट मोड वीडियो वगैरह तो हर एक स्मार्टफोन्स में मिले जाते हैं। अगर आप मोर में आते हैं तो ये कुछ आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन्स में। तो मेन यहाँ पर पार्ट होता है वीडियो में, आप वीडियो यहाँ पर कितने रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप रियलमी में अल्ट्रा स्टेबल वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर रेजोल्यूशन की, तो आप 1080p 30 4K पर भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं रियलमी में, एंड 60 फ्रेम रेट पर आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि आप ओप्पो के स्मार्टफोन में ओनली 1080p 30 FPS पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैमरा में हमारा क्लियरली विनर है, कैमरा फीचर्स में हमारा क्लियरली विनर है रियलमी का X7 स्मार्टफोन। तो अब बात कर लीजिए दोनों स्मार्टफोन्स की OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कैसा मिलता है। तो नो डाउट यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओप्पो एंड रियलमी का काफ़ी हद तक हमें यहाँ पर सिमिलर मिलता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी फीचर देखते हैं तो काफ़ी हद तक जो हमारा सेटअप है वो हमें लगभग सिमिलर ही मिलता है। यहाँ पर हर एक जो फीचर है वो आपको लगभग सेम मिलने वाला है OS में। यहाँ पर आपको रियलमी का खुद का वर्जन 1.0 एंड एंड्रॉयड 10 मिलता है, जबकि आपको ओप्पो में इनका खुद का OS 7.2 एंड एंड्रॉयड 10 मिलता है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कोई भी ज़्यादा आपको मेन डिफरेंस OS में देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात कर ली जाए बैटरी एंड चार्जिंग से। जैसे कि मैंने आपको बताया ओप्पो का हैंडसेट आपको थोड़ा सा यहाँ पर रियलमी से थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है, बिकॉज आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जबकि आपको रियलमी में 4300 mAh की बैटरी और यहाँ पर आपको 50W का सुपर डार्ट चार्जर मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन को ओनली 33 मिनट्स में कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैटरी में हमारा स्मार्टफोन थोड़ा सा बेटर ओप्पो का, जबकि रियलमी का हमारा जो स्मार्टफोन है चार्जिंग में आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि बैटरी का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट जो चार्जिंग में है आपको 50W कहाँ और कहाँ 18W आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पर भी एडवाइस करता हूँ रियलमी का X7 स्मार्टफोन थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको रियलमी में मिलने वाला है। तो एक मेन पार्ट होता है स्मार्टफोन का, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन बाय करते हैं चिपसेट आपको कैसा मिलता है। यहाँ पर चिपसेट में एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों स्मार्टफोन्स में। मैं यहाँ पर अगर बात करता हूँ चिपसेट की, तो आपको यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो P35 जो कि 12 nm पर बेस्ड है, एंड यहाँ पर आपको जो क्लॉक स्पीड है 128 GHz की मिलती है। यहाँ पर ये चिपसेट हमें मिलता है नो डाउट ओप्पो के स्मार्टफोन में। यहाँ पर दोस्तों 16000 के बजट में भी आपको अभी भी हीलियो P35, मतलब कि यार क्या यहाँ पर दुनिया को पागल बना रहे हैं कंपनियाँ, जो सभी कंपनियाँ मिलकर यहाँ पर हीलियो P35, क्या तो यार यूजर गेमिंग करेगा, क्या फोटोग्राफी करेगा इनके ओप्पो के स्मार्टफोन में। और रियलमी के स्मार्टफोन में हमें मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U का जो कि एक 5G चिपसेट है वो हमें मिल जाता है, और जो कि ओनली 7 nm पर बेस्ड है। और यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड आपको 2.4 GHz की मिलने वाली है रियलमी के स्मार्टफोन में। यहाँ पर दोस्तों नो डाउट रियलमी का स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है चिपसेट के मामले में, बिकॉज आपको यहाँ पर एक 5G चिपसेट जो कि मीडिया टेक डायमेंसिटी 800U है, जो कि 7 nm पर बेस्ड है, क्लॉक स्पीड आपको बेटर मिलती है। जबकि जो हीलियो P35 है एक काफ़ी बेसिक चिपसेट जो कि हमें 7 से 8000 के स्मार्टफोन में देखने को नॉर्मली मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक काफ़ी वीक पॉइंट ओप्पो का यहाँ पर चिपसेट हीलियो P35। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं रैम रोम की बात करता हूँ, तो आपको ओप्पो का स्मार्टफोन 6128 के साथ मिल जाता है 16000 का, एंड रियलमी का स्मार्टफोन आपको 6128 के साथ 20000 का मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं रियलमी का स्मार्टफोन, तो आपको हर टाइम कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलते रहते हैं। जैसे कि हाल ही में चला हुआ अगर आप प्रीपेड अगर पेमेंट करते हैं तो आपको 1000 का ऑफ मिल जाएगा रियलमी के स्मार्टफोन में। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेके चलते हैं कि आपको 19000 का मिलता है रियलमी X7 एंड 16000 का मिलता है आपको ओप्पो का E54। तो ये था दोस्तों फीचर्स का कंपैरिजन। यहाँ पर मैंने आपको बताया स्लीक है मोबाइल रियलमी एंड लाइट वेट है, यहाँ पर चार्जिंग बैटर है, यहाँ पर डिस्प्ले बैटर है, यहाँ पर कैमरा बैटर है, यहाँ पर लुक बैटर है, और यहाँ पर चिपसेट बैटर है। और सबसे बड़ी बात आपको एक 5G चिपसेट मिलता है रियलमी के स्मार्टफोन में, आपको एक 5G रेडी स्मार्टफोन मिलने वाला है। यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p पर आप 60 फ्रेम रेट पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि आप ओप्पो के स्मार्टफोन में ओनली आपको थोड़ी सी बैटरी बैटर देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों प्राइस का भी लगभग 3000 का डिफरेंस है, बट आपको 3000 के डिफरेंस में जो फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये था दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन। मैं आपको यहाँ पर सजेशन करता हूँ आप रियलमी का स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं कहीं से भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से। तो ये था दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम स्टे सेफ।